Hi, welcome to Atomic Studies Center. I am Ritika Kakkad and I will be taking your English classes. In the upcoming 50 to 60 videos, we will be covering our whole syllabus. So let's start with the very first chapter, that is My Mother Act 66. ये जो बेटा हम पहला स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर, ये एक पोएम है फ्लेमिंगो की आपकी बुक से, My Mother Act 66. इससे पहले हम चैप्टर स्टार्ट करें, मैं आपको एक दो बातें पहले ही बता दूंगी अपनी क्लास के लिए. पहली बात बच्चों, इस चैप्टर को सिर्फ पढ़ने के लिए मत पढ़ो. आपको कोई रट्टा नहीं मरवा रहा, आपको सिर्फ ये चैप्टर जो है समझना है, इसे फील करना है, तभी आपको ये पेपर तक याद रहेगा. बिकॉज आई अंडरस्टैंड कि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोग लास्ट में पढ़ते हो, तो इस तरीके से पढ़ो कि आपको इसकी इन डेप्थ पूरा इस चैप्टर को अच्छे से समझो, वर्ड टू वर्ड आपको क्लियर हो, हर एक लाइन का आपको मतलब पता हो और ये आपको हमेशा याद रहे. तो इस तरीके से इस चैप्टर को फील करो, स्टडी करो, साथ में नोट्स बनाओ, अपनी पेंसिल अपने साथ रखो, बुक में अंडरलाइन करो, जैसे करना है करो, लेकिन इस चैप्टर को याद रखो. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. माई मदर एक्ट 66, इट इज रिटन बाय कमला दास. थोड़ा अगर हम पोइट के बारे में बेटा बात करें तो हमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि एक इंडियन पोइट है ना. कमला दास जो है वो काफी फेमस थी अपने टाइम में, उन्होंने काफी सारी बुक्स लिखी हैं, स्टोरीज लिखी हैं, ऑटोबायोग्राफी लिखी है अपनी. तो कमला दास जो थी बेटा, वो सोशल इश्यूज को ज्यादा उठाती थी. वो फीमेल्स के साथ हुआ इनजस्टिस, आप कह सकते हो उनके साथ जो गलत बिहेव किया जाता था, जो इनजस्टिस उन्हें सहन करना पड़ता था, या जो उनको राइट्स नहीं दिए जाते थे, उनके लिए वो अपनी वॉइस रेज करती थी. इसीलिए वो काफी ज्यादा फेमस थी. केरला में वो पैदा हुई थी और उनकी डेथ जो है वो 2009 में हुई. आपसे एग्जामिनेशन में इतना ज्यादा नहीं पूछे जाएंगे अबाउट द पोएट, इनकी लाइफ के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में इनकी इतना नहीं पूछा जाएगा. ठीक है, कि उनका प्रोफेशन क्या था, इसके अलावा वो क्या करती थी, कहाँ वो स्टडी हुई उनकी कंप्लीट, ये सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे. स्टार्ट करते हैं बेटा. माई मदर एट 66, टाइटल के बारे में बात करें यहाँ पर, तो बेटा कमला दास अपनी मदर के बारे में बात कर रही है, हु इज नाउ 66 ईयर्स ओल्ड. वो अब 66 ईयर्स ओल्ड हो चुकी है उनकी मदर. और उस एज पे कमला दास के मन में क्या फीलिंग्स हैं, क्या वो इमोशंस फील कर रही हैं अपने मदर के रिगार्डिंग, उनको एक्सप्रेस कर रही हैं. तो स्टार्ट करते हैं बेटा विदाउट वेस्टिंग मच टाइम. ड्राइविंग फ्रॉम माय पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माय मदर बिसाइड मी. ठीक है, अब कमला दास जो है बेटा, वो अपनी मदर के घर स्टे पे रहने आई है कुछ दिनों के लिए, और अब वो वापस जा रही है कोचीन. ठीक है, तो वो एक्चुअली कहाँ रहती हैं, कोचीन में रहती हैं. उनका जो घर है आप कह सकते हो वो कोचीन में है, और वो अब कोचीन वापस जा रही हैं अपनी मदर के घर स्टे पे रहने आई थी. ठीक है, वो अपनी मदर के साथ बैठी हैं, उनकी मदर ने एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने आ रही है, इसीलिए उन्होंने लिखा है यहाँ पर, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, कि वो देखती है कि उनकी मदर जो है उनके साथ में बैठी हुई है. डोज ओपन माउथ, ठीक है, हर मदर इज डोजिंग. डोजिंग मतलब बेटा नींद की झपकियां लेना. ठीक है, उनकी मदर जो है उन्हें साथ में एयरपोर्ट तक छोड़ने आ रही है और उन्हें नींद आ रही है, तो वो नींद की झपकियां ले रही है. कौन? कमला दास की मदर. ओपन माउथ, हर माउथ इज ओपन, उनकी मदर का जो मुंह है बेटा वो खुला हुआ है, उन्हें नींद की झपकियां आ रही है. एंड हर फेस इज एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, और उनका जो फेस है, हर फेस इज रिजेंबलिंग लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, मतलब क्या है कि उनका जो फेस है एक डेड बॉडी के फेस से मिलता जुलता लग रहा है. ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि उनके फेस पे कोई भी स्पार्क नहीं है, कोई भी चार्म नहीं है उनके फेस पे. हम यहाँ पे कमला दास की नहीं, उनकी मदर के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, कमला दास इज यंग, वो अभी यंग है, उनकी मदर ओल्ड है, 66 ईयर्स की है, और जब वो उन्हें साथ छोड़ने आ रही हैं एयरपोर्ट तक, तो उनको नींद की झपकियां आ रही हैं, उनका मुंह खुला हुआ है और उनका फेस जो है वो एक एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, का मतलब कि उनका फेस जो है एक डेड बॉडी के फेस से रिजेंबल कर रहा है. मतलब क्या है कि उनके फेस पे कोई भी ग्लो नहीं है, कोई भी चार्म नहीं है, वो ब्यूटी नहीं है उनके चेहरे पे, वो एनर्जी नहीं है उनके चेहरे पे. ठीक है, तो उनका फेस किससे कंपेयर किया गया है? कॉर्प्स से. यहाँ पे बेटा पहला पोएटिक डिवाइस हम इंट्रोड्यूस करेंगे, सिमिली. दो चीजें होती हैं आपकी, एक होता है सिमिली, एक होता है मेटाफर. ठीक है, अब हम सिमिली के बारे में पहले बात करेंगे कि सिमिली कहाँ पे होता है. सिमिली बेटा वहां पे होता है जहां पर एक कंपैरिजन ड्रॉ किया जाता है. ठीक है, ये कंपैरिजन बिटवीन लिविंग नॉन लिविंग के बीच में भी हो सकता है. तो सिमिली वहां होता है जहां पे एक कंपैरिजन होता है और एज या लाइक का यूज किया जाता है. ठीक है, कंपैरिजन को दिखाने के लिए एज या लाइक का यूज किया जाता है, वहां पर हमारा सिमिली होता है.
तभी देखो यहाँ पर लिखा हुआ है बेटा, हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉर्प्स, कि उनके फेस को कंपेयर किससे किया गया है, एक कॉर्प्स से, कॉर्प्स मतलब डेड बॉडी, एक डेड बॉडी के फेस से कंपेयर किया गया है, ठीक है। तो कंपैरिजन के लिए लाइक का यूज किया गया, लाइक का, तो यहाँ पे कौन सा पोएटिक डिवाइस है, सिमिली। आगे बढ़ते हैं, एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। अब यहाँ पे बेटा कौन से पेन की बात कर रही है कमला दास, ठीक है। अब आप खुद सोचो कि कमला दास की मदर जो है वो काफी ओल्ड हो गई हैं, वो 66 इयर्स की चल हो गई हैं, ठीक है। तो कमला दास के मन में कहीं ना वो डर है। डर किस बात का? फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, है ना। उनके मन में कहीं ना कहीं डर है कि उन्हें एक दिन अपनी मदर से सेपरेट होना पड़ेगा, कि वो दिन दूर नहीं है जब उनकी मदर उन्हें छोड़ के चली जाएंगी। ऐसा वो क्यों कह रही है? क्योंकि उनकी मदर ओल्ड हो गई है अब काफी, है ना। यही तो बेटा ओल्ड एज होती है। ओल्ड एज एक आप कह सकते हो एक क्लॉक की तरह आती है, ठीक है, एक डेडलाइन कह सकते हो आप, मार्क करने लगती है, एक आपकी उल्टी घड़ी शुरू हो जाती है कि बस आपका टाइम अब निकलता जा रहा है, डेथ करीब है। तो ऐसे ही कमला दास की मदर के साथ भी है, एक उनका काउंटडाउन आप कह सकते हो, काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है और कुछ ही टाइम के बाद वो चली जाएंगी कमला दास को छोड़ के, है ना, क्योंकि शी इज ओल्ड, वो तो ओल्ड है, कमला दास अभी यंग है, ठीक है। तो यहाँ पर कमला दास को वो पेन फील हो रहा है, वो अपनी मदर से सेपरेट नहीं होना चाहती, ठीक है। कोई भी बच्चा अपनी मदर से कभी सेपरेट नहीं होना चाहता, वो जो कनेक्शन है वो बचपन से ही लेके आता है। तो यहाँ पे कमला दास को डर है दैट समडे शी हैज टू सेपरेट फ्रॉम हर मदर, कि एक ना एक दिन उसे सेपरेट होना पड़ेगा। एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वाज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। फिर कमला दास को रियलाइज होता है कि उनकी मदर उतनी ही ओल्ड है जितनी वो दिखा रही है, विच मीन्स दैट शी इज नॉट ट्राइंग टू हाइड हर एक्चुअल एज। उनकी मदर अपनी एक्चुअल एज को हाइड नहीं कर रही है, वो कोई भी सप्लीमेंट्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स यूज करके या कोई भी उस तरीके का ड्रेसअप होकर कुछ हाइड नहीं करने की कोशिश कर रही, वो वैसे ही उनकी अपीयरेंस, उनकी लुक्स वैसे ही हैं जिस एज में वो पहुंच चुकी हैं। चाहे उन्होंने साड़ी डाली हुई है, तो वो उनका जो पहनावा है, उनका जो आप कह सकते हो फेस है, वो उनकी एक्चुअल एज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, ठीक है। तभी कमला दास कहती है दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, विच मीन्स दैट शी इज नॉट ट्राइंग टू हाइड हर एक्चुअल एज। वो अपनी एज को नहीं छुपा रही, वो वही दिखा रही हैं जो वो एक्चुअली हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे। अब कमला दास ये सारे थॉट्स को साइड कर देती हैं, ठीक है। वो साइड क्यों कर देती है इन सारे थॉट्स को? क्योंकि ये सारे थॉट्स उन्हें बॉदर कर रहे हैं ना। अब वो जब अपनी मदर को बाय बोल के जा रही है अपने घर वापस, तो वो सैड नहीं होना चाहती इन थॉट्स के साथ, क्योंकि ये थॉट्स आप कह सकते हो कि एक अलार्म की तरह उनके दिमाग में, है ना, कि ये थॉट्स बार बार उन्हें आते हैं कि उनकी मदर ओल्ड हो गई हैं, कि समडे दैट शी हैज टू सेपरेट फ्रॉम हर मदर। तो वो पेन कैरी नहीं कर पा रही है इतना सारा, इसीलिए वो उन सारे थॉट्स को साइडलाइन कर देती हैं और खिड़की के बाहर देखने लग जाती हैं, ठीक है। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। नाउ कमला दास इज लुकिंग एट एट द ट्रीज, ठीक है। वो बाहर देख रही है विंडो के, वो ट्रीज को देख रही हैं, यंग ट्रीज को देख रही हैं वो, कि कैसे ट्रीज जो हैं उनको क्रॉस करके निकलते जा रहे हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्या लिखा है लाइन, ध्यान से पढ़ो, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, कि वो बाहर देख रही हैं विंडो से, तो उन्हें नजर आ रहा है कि कुछ पेड़ हैं जो पीछे की तरफ स्प्रिंट बैक हो रहे हैं, पीछे की तरफ जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं आप कह सकते हो। ये जो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग है बेटा ये ना एक इमेज ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, एक इमेजरी को दिखा रहे हैं, ये एक इमेज प्रेजेंट कर रहे हैं। कौन सी इमेज? यूथ की इमेज, है ना, कि लोग अपनी जवानी को इस तरीके से फ्रीली महसूस करते हैं, या कह लो कि उनकी जवानी इस तरीके से निकल जाती है कि विद इन फ्लैश ऑफ अ सेकेंड आप कह सकते हो कि उनकी जवानी निकल जाती है, उनका यूथ निकल जाता है, ठीक है। कि आप कब बड़े हो जाते हो, आप कब ओल्ड एज में आ जाते हो, आपको पता नहीं लगता। ऐसे ही वो जो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग है, जो ट्रीज बाहर वो विंडो के बाहर कार से देख रही हैं, जिस तरीके से वो पेड़ पीछे की तरफ निकलते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, इसी तरीके से उनकी जो यूथ है वो भी निकलता जा रहा है कमला दास का। और तो और वो अपनी मदर से रिलेट कर रही है कि कैसे उनकी मदर का यूथ जो था वो भी इतनी जल्दी निकल गया, ठीक है। तो ये बेटा एक इमेज ड्रॉ की गई है, इमेज भी आपका पोएटिक डिवाइस के अंदर ही आता है, ठीक है। इमेजरी आप अलग से भी स्टडी करते हो ऐसे, तो यहाँ पे एक इमेज ड्रॉ की गई है जहां पर यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग को किस क्या रिप्रेजेंट किया गया है, यूथ से, ठीक है, यूथ को दिखाने के लिए इस इमेज का यूज किया गया है। नेक्स्ट देखो, द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, ठीक है। अब कमला दास देख रही है कि जो खुश मिजाज बच्चे हैं, मेरी मतलब हैप्पी,
ठीक है, कि बच्चे जो हैं काफी खुश हैं और अपने घरों से बाहर निकल के आ रहे हैं। स्पिल मतलब बिखरना होता है वैसे तो, लेकिन यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि बच्चे जो हैं अपने घरों से निकल के बाहर खेल रहे हैं। तो ये बच्चे किसका इमेज ड्रॉ कर रहे हैं बेटा? चाइल्डहुड का। ठीक है, बच्चे किसको रिप्रेजेंट करते हैं? चाइल्डहुड को। क्या आपको पता है कि बचपन में कोई टेंशन नहीं होती, किसी टाइप का स्ट्रेस नहीं होता, हमेशा सब कुछ हैप्पीनेस नजर आती है आसपास, सब एकदम मेरी लगता है, सब एकदम खुश खुश लगता है आसपास। तो ऐसे ही ये जो बच्चे हैं अपने घरों से आके बाहर खेल रहे हैं। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, ठीक है, अब क्या होता है बेटा कि पोएट जो है वो एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी हैं, उनकी मदर उन्हें एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने आई थी और अब वो एयरपोर्ट की सिक्योरिटी चेक पे हैं। ठीक है, कौन? कमला दास। कमला दास का सिक्योरिटी चेक जो है वो हो चुका है, उनकी चेकिंग हो चुकी है और उनकी मदर जो है शी इज स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे। फ्यू यार्ड्स अवे का मतलब क्या है बेटा? फ्यू माइल्स अवे, या कह लो फ्यू मीटर्स अवे। ठीक है, उनकी मदर जो है कुछ मीटर्स के डिस्टेंस पे उनसे खड़ी हुई है क्योंकि उनकी तो चेकिंग हो रही है एयरपोर्ट पे, है ना। अब कमला दास की मदर तो सिर्फ ड्रॉप करने आई थी तो वो कुछ दूरी पे खड़ी है। आई लुक्ड अगेन एट हर, ठीक है, इसके बाद कमला दास अपनी मदर की तरफ फिर से देखती है। आई यहाँ पे कौन है? कमला दास ही है। ठीक है, कमला दास अपनी मदर को दोबारा पीछे मुड़ के देखती है। वैन पेल, वैन का मतलब क्या होता है बेटा? डल फेस। ठीक है, उनकी मदर जो है काफी डल नजर आ रही हैं कि जैसे उनके चेहरे पे कोई ग्लो ना हो, कोई चार्म ना हो, एकदम डल लुक है उनके चेहरे पे, एकदम कह लो मुरझाया हुआ चेहरा, एकदम पेल फेस है, कोई ग्लो नहीं है, स्पार्क नहीं है, एनर्जी नहीं है। ठीक है, तो उनका फेस बहुत ज्यादा डल नजर आ रहा है, पेल नजर आ रहा है एज अ लेट विंटर्स मून। ठीक है, जैसे बच्चों सर्दियों में मून निकलता है, आपको पता है कि सर्दियों में जो मून होता है वो इतना ज्यादा लाइट रिफ्लेक्ट नहीं करता है ना, इतनी ज्यादा ग्लो नहीं होती विंटर में मून के पास। तो जैसे एक विंटर का मून होता है जिसके पास जो इतना ज्यादा ब्राइट नहीं होता, डल लगता है, वैसे ही उनकी मदर का फेस है वो भी ऐसा है जैसे एक लेट विंटर्स मून हो, कि जैसे विंटर में निकलने वाला मून होता है इस तरीके से, जिस तरीके से मून का ग्लो कम होता है, वो मून की लाइट नहीं होती इतनी ज्यादा, वैसे ही उनकी मदर का फेस भी है, डल है, पेल है। ठीक है, कोई ग्लो नहीं है उनके चेहरे पे। अब देखो बेटा यहाँ पे उनके फेस को किससे कंपेयर किया गया है? लेट विंटर्स मून से, और किसका यूज किया गया है? एज का। सो अगेन सिमिली इज यूज हियर, फिर से सिमिली का यूज किया है बेटा, सिमिली पोएटिक डिवाइस है आपका, फिर से सिमिली का यूज किया यहाँ पर। ठीक है, एंड फेल्ट दैट ओल्ड फेमिलियर एक। अब कमला दास कहती हैं कि उनको ना ये फेमिलियर सा दर्द याद आ रहा है, कि फेमिलियर सा एक है, एक मतलब पेन, ठीक है, एक मतलब पेन, कि उनको ना एक फेमिलियर लग रहा है कि ये जो दर्द उन्हें फील हो रहा है ना अभी, कौन सा दर्द? फियर ऑफ सेपरेशन फ्रॉम हर मदर, है ना, ये जो डर उन्हें लग रहा है, ये जो पेन वो फील कर रही है, ये उन्हें बहुत फेमिलियर लग रहा है। फेमिलियर क्यों लग रहा है? क्योंकि ऐसा जो डर है, या कह लो ऐसा जो दर्द उन्होंने पहले महसूस किया है, कभी बचपन में हो सकता है उन्होंने महसूस किया है। ठीक है, तभी लिखा है माई चाइल्डहुड फियर। चाइल्डहुड फियर क्या है बेटा? हर बच्चे का चाइल्डहुड फियर तो यही होता है ना कि एक दिन उसको अपनी मदर से अलग होना पड़ेगा, कि कहीं कल को ऐसा ना हो उनकी मदर ना कहीं चली जाए। अब आप छोटे बच्चे को ही देख लीजिए, बच्चे की मदर इधर उधर होती है तो बच्चा रोने लग जाता है, उसकी कोई भी रिक्वायरमेंट होती है वो अपनी मदर के लिए रोता है ना, मदर की नीड होती है, मदर का सपोर्ट चाहिए होता है। तो वैसे ही कमला दास को भी डर है कि एक दिन उनको अपनी मदर से अलग होना पड़ेगा, फिर उनकी मदर उन्हें सपोर्ट करने के लिए नहीं रहेंगी, उनको कह लो कि उनके हार्ड टाइम में, उनके अच्छे टाइम में उनको सपोर्ट करने के लिए वो वहां नहीं होंगी, एक दिन उन्हें ये छोड़कर, धरती जो है छोड़कर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर उनको ये जो फेमिलियर लग रहा है, ये जो दर्द है बहुत ज्यादा फेमिलियर लग रहा है, वो इससे अपने आप को रिलेट कर पा रही हैं, क्योंकि यही सेम जो फियर है, दर्द है, उन्होंने बचपन में भी फील किया है। हर बच्चा ही फील करता है बेटा, मदर इधर उधर होती है तो बच्चे को फियर तो एक आ ही जाता है ना कि कहीं उसकी मदर ना चली जाए। तो पोइट यही कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे मेरा ये बचपन का ही डर हो कि मेरी मदर मुझे छोड़ के चली जाएंगी, और अब ऐसा लग रहा है ये डर जो है सच होने वाला है। क्यों? क्योंकि वो अपनी ओल्ड एज में है उनकी मदर, है ना। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। लेकिन अब पोएट जो है वो अपने इमोशंस को क्लियरली एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं, अपनी मदर के आगे अपने इमोशंस को ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करती हैं, और क्या बोलती है? सी यू सून अम्मा। वो सिर्फ इतना ही बोल पाती है, सी यू सून अम्मा। इन लाइन से आप बेटा देख सकते हो दैट शी इज बीइंग वेरी ऑप्टिमिस्टिक, वो बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो रही है ना।
वो बहुत ज्यादा कह लो कि पॉजिटिव हो रही हैं, दैट वन डे शी विल बी एबल टू सी हर अगेन, कि वो दोबारा अपनी मदर से मिलेंगी, दोबारा वो अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, दोबारा वो साथ में एंजॉय करेंगे. तो वो अपनी मदर को एक ऑप्टिमिज्म ही पास ऑन कर रही हैं, वो कोई भी नेगेटिव एनर्जीज नहीं दे रही अपनी मदर को, वो अपने इमोशंस, अपना जो दुख है, अपना जो दर्द है, तकलीफ है, उन्हें खुल के एक्सप्रेस नहीं कर रही. रीजन भी कि उनकी मदर को अगर ये सारी बातें पता चल जाएंगी तो वो भी वरीड हो जाएंगी, है ना. और ऐसी एज में इंसान बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है ओल्ड एज में, तो उनको क्यों हम लोग इतना स्ट्रेस करें. तो ऐसे ही कमला दास जो हैं अपने इमोशंस को अपने तक रखती हैं और बड़े ही ऑप्टिमिज्म से, बड़े ही पॉजिटिव नोट पे वो कहती हैं सी यू सून अम्मा, विच मीन्स कि वो दोबारा से अपनी माँ से मिलेंगी. एक ऑप्टिमिज्म दिखा रही है ना, एक होप दिखा रही है, आप कह सकते हो होपफुलनेस दिखा रही है कि दैट वन डे शी विल बी एबल टू सी हर अगेन, दैट दे विल मीट इन फ्यूचर. फ्यूचर फ्यूचर में थोड़े टाइम के बाद वो मिलेंगे, आपस में टाइम स्पेंड करेंगे, इसीलिए वो कहती है सी यू सून अम्मा. एंड ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और वो सिर्फ स्माइल करके चली जाती हैं. यहाँ पे बेटा स्माइल करने के क्या रीजंस हो सकते हैं, ठीक है. मे बी शी इज स्माइलिंग टू हाइड हर पेन, वो अपने पेन को, अपने इमोशंस को हाइड करने के लिए स्माइल कर रही है, ठीक है. और दूसरा रीजन क्या हो सकता है स्माइल करने का, कि वो अपने गिल्ट को छुपा रही है. कौन सा गिल्ट? दैट इन हर मदर्स हार्ड टाइम शी विल नॉट बी देयर टू सपोर्ट हर, है ना. अपनी मदर के हार्ड टाइम में जब उनकी मदर को सबसे ज्यादा नीड होगी अपनी बेटी की, वो उस हार्ड टाइम में अपनी मदर के साथ नहीं हो पाएंगी, इसीलिए वो स्माइल कर रही है, वो अपने गिल्ट को छुपा रही है, ठीक है. वो अपनी जो वो गिल्टी फील कर रही है इस वजह से, वो उसको हाइड करने के लिए स्माइल कर रही है. और आप कह सकते हो वो स्माइल इसीलिए भी कर रही है ताकि वो पॉजिटिव रह पाए, ताकि वो होपफुल रह पाए, अपनी मदर को भी होपफुल होपफुली देख पाए दोबारा से, अपनी मदर को भी पॉजिटिव एनर्जीज दे, ठीक है. स्माइल कर रही है वो अपनी मदर की तरफ ताकि उनकी मदर भी उनको देख के स्माइल करे, ना कि उन्हें भी वही सेम पेन फील करना पड़े जो कमला दास फील कर रही है, ठीक है. तो अपनी मदर को वो स्माइलिंग फेस के साथ जो है बाय बोल देती है, गुड बाय कर देती है, ठीक है. आई होप दिस पोएम इज क्लियर. बच्चों काफी छोटी पोएम है, मैंने काफी ट्राई किया है कि मैं इसे शॉर्ट में ही एक्सप्लेन कर दूं. तो आप ये वीडियो अच्छे से देखिएगा, अगर नहीं समझ आता दोबारा देखिएगा, अगर फिर भी कोई आपको डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको वहां पे सारी आपकी क्वेरीज लेने के लिए बैठी हूँ. और साथ ही साथ इस वीडियो के साथ एक पीडीएफ भी अटैच्ड है जो आपको लिंक सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है. आपको यहाँ पे मिल जाएगा इसका पीडीएफ भी, जरूर देखिएगा इसको, लाइक कीजिएगा चैनल को, मैं और वीडियोज हमारे चैनल पे पोस्ट करूंगी. थैंक यू.